इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि अब जब भी आपने फिलामेंट तब्दील करना है या फर्स्ट टाइम प्रिंटर डब्बे से निकाला है और नया फिलामेंट आप डालना चाह रहे हैं तो वो कैसे करना है। तो इसके लिए पिछली वीडियो का कुछ हिस्सा आपको देखना पड़ेगा। आपको पहले कनेक्ट करना है एम3डी इनेबलर के वाईफाई को, जो कि सिर्फ तब अपीयर होता है जब यूएसबी के ज़रिए प्रिंटर पावर ऑन हुआ हो। प्लस आपको अडाप्टर लगाना है ताकि आपको कन्फर्म हो कि फ़ैन भी चल रहा है और एलईडी भी अंदर उसकी वाइट कलर की जो है वो नज़र आ रही है। देन आप इस एड्रेस पर जाते हैं। ये चीज़ हम पिछली वीडियो में वैसे कवर कर चुके हैं, लेकिन देखना चाहें तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो वंस यू आर देयर, एक एहतियातन जो हमें काम कर लेना चाहिए इससे पहले कि हम मज़ीद फिलामेंट इंसर्ट करने वाली यूटिलिटी को इस्तेमाल करें, हमें काम करेंगे कि सबसे पहले हम इस प्रिंटर को होम करेंगे। तो लाजमी नहीं है कि हरदफ़ा इसी तरह करें, लेकिन बेहतर होता है कि आप आते साथ पहला जो काम करें वो ये करें कि प्रिंटर को तकरीबन 10 मिलीमीटर इस बटन के ज़रिए उठाएँ और उसके बाद होम का बटन दबा दें, होम ऑल वाला। तो उसे प्रिंटर आप अपने आप को पहले होम करेगा। होम करना इसलिए लाजमी है, बेशक हमें होमिंग से रिलेशन नहीं है, लेकिन होम करना इसलिए लाजमी है कि इसकी गैर मौजूदगी में आप गलती से भी अगर इन उसको बटन दबा दें तो प्रिंटर अपने आप को डैमेज भी कर सकता है और आपको भी डैमेज कर सकता है। चलें, होम हो गया। अब मैं सीधा जाता हूँ प्रिंट इंसर्ट फिलामेंट वाली यूटिलिटी पे। प्रिंटर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अब दो ऑप्शंस आ रही हैं, इंसर्ट न्यू फिलामेंट एंड रिमूव फिलामेंट। अच्छा, इंसर्ट करने से पहले मुझे एक और भी काम करना पड़ेगा, वो ये है कि मुझे टेम्परेचर नोज़ल का जो है वो उठा के लेके जाना पड़ेगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये मैं लेके जाता हूँ टेम्परेचर, और अपनी सहूलियत के लिए मैं काम करूँ जो कि लाजमी नहीं है, ये ऑटो चेक एवरी 3 सेकेंड्स वाले को भी मैंने चेक कर दिया इस ऑप्शन को, ताकि मुझे यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत सा ग्राफ बनता हुआ नज़र आएगा। जब ये प्रिंटर टेम्परेचर तकरीबन 190 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसके अंदर फिलामेंट इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। सो वाइल दिस इज़ हीटिंग अप, हम एक और काम करते हैं कि हम फिलामेंट लेंगे और उसको तैयार करेंगे प्रिंटर के अंदर डालने के लिए। तो फिलामेंट यहीं से जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिलामेंट मैं एक ले आया हूँ। अब आपके पास पूरा स्पूल भी हो सकता है, मैं अभी के लिए वो थोड़ा सा एक ये पीस इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। एक फिलामेंट आपको चाहिए होगा, दूसरा आपको एक वाई स्ट्रिपर चाहिए, और बेहतर है कि ये ज़रा शार्प वाई स्ट्रिपर हो ताकि ये कट अच्छी तरह से कर सके। वो ना साया आ रहा है इसका, चलें मैं यहाँ पर रखूँ। तो इसको आपने यूँ तिरछा रख के जिस तरह कलम को काटा जाता है उस तरह से कट करना है। ये कट हो गया। आफ्टर दैट कोशिश करनी है कि अक्सर ये जब फिलामेंट स्टार्ट होता है ये गोलाई में होता है, इसको सीधा होना चाहिए। तो प्लस एक और भी चीज़ है कि बाज़ का अगर आपका फिलामेंट एक्सपायर्ड है या उस प्रॉब्लम पे उस जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा भी होगा कि जब आप उसको सीधा करने की कोशिश करें तो ये टूट भी जाता है। तो टूट जाने का मतलब होगा कि फिलामेंट एक्सपायर्ड है। बेहतर है कि उसको इस्तेमाल ना करें, काम हो सकता है वो उस तरह भी कर जाए, लेकिन बेहतर है कि उसको इस्तेमाल ना करें। वंस यू आर देयर, अब आपने करना ये है कि ये जो बैक साइड पे सुराख एक नज़र आ रहा है इसमें आपने फिलामेंट को इंसर्ट करना है। और अगर मैं आपको टॉप से दिखा पाऊँ, टॉप नहीं, तो आप ये नज़र आ रहा है कि फिलामेंट इस चैनल के ज़रिए होते हुए सुराख के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब एक चीज़ जो कि ये मैंने जो भी प्रिंटर अभी रखा है मैंने जानबूझ के इसकी फीडर की कैलिब्रेशन बिल्कुल ऑफ़ कर दी है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। यूजली ये कैलिब्रेशन ऑफ़ नहीं होती, लेकिन ये स्क्रू ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके ज़रिए आप अगर इसको घुमाएं तो आप ये देख सकते हैं कि ये पुली राइट साइड पे ये जो पुली नज़र आ रही है ये करीब आती है और इसको ग्रिप करने की कोशिश, जितना मैं टाइट करूँगा उतना ही इसको ग्रिप करने की कोशिश करती है। तो अगर ये ना हुआ हो ग्रिप, आप ख़ुद भी इसको मज़ीद टाइट या लूज़ कर सकते हैं उस स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल करते हुए जो कि हमने आपको किट में साथ दिया हुआ है। तो निशानी ये है इसके टाइट होने की, एक निशानी ये है कि जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो आप अगर, अब मैं फिलामेंट अगर आगे और पीछे मूव कर रहा हूँ तो पुशर, इसको पुशर वॉशर बोलते हैं, पुशर की जो ये पुली है ये भी इसके साथ अपने आप घूम रही है। मैंने कोई कमांड नहीं दी है, ये पुली अपने आप घूम रही है क्योंकि फंस चुके हैं फिलामेंट इस टाइम। तो इसको अब ये तजर्बे से ही होगा कि आप कितना इसको टाइट कर सकते हैं। इसकी निशानी है कि जब प्रिंट लग जाता है तो सिर्फ उसी हालत में आपको पता चल पाएगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइट है कि नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इसको बस इतना ग्रिप कर दें कि ये लॉक हो जाए। जब लॉक हो गया है
बिल्कुल, मैंने थोड़ा सा इसको इंसर्ट करवाया है रास्ता क्लियर करवा के। अब मैं आ जाता हूँ अपने इंटरफेस की तरफ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे का टेम्परेचर मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं जा सकता हूँ वापस प्रिंटर वाले टैब में और इधर से मैं इस्तेमाल करूँगा इस इंसर्ट न्यू फिलामेंट को। तो ये एक वार्निंग देता है कि वही जो हम काम कर चुके हैं कि पहले आप कट करेंगे फिलामेंट को और उसको हल्का सा इंसर्ट कर देंगे इनटू द फीडर करके। जब मैं इसको यस करूँगा तो अब मैं देख सकता हूँ कि ये हल्का हल्का अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। साया आ रहा है अंदर नहीं आ रहा। तो पहले ये आहिस्ता से जाता है। अच्छा, एक काम जो अब ये करना है, क्या मैं करना है, इस पाइप को कोशिश करनी है यूँ सीधा रखना है। क्यों? ताकि ये फंस ना जाए जब ये एंटर हो रहा होता है फिलामेंट। मसलन मेरे केस में अगर मैं महसूस कर पाऊँ मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है तो फिलामेंट फंसने की कोशिश कर रहा है, अंदर नहीं जा रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा अपने उल्टे हाथ से इसको हल्का सा इंसर्ट करने की भी मज़ीद हेल्प कर रहा हूँ, हल्का सा धक्का दे रहा हूँ और नीचे अगर मैं देखूँ तो ये अच्छा खासा फिलामेंट निकला पड़ा। अच्छा, अगर ये फिलामेंट ना निकले इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो फिलामेंट है वो इस नोज़ल की एंट्री पॉइंट पर कहीं फंस रहा है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका पहला शक ये होगा कि इसके पाइप के अंदर कुछ घुस गया। इट्स वेरी अनलाइकली, बहुत कम चांसेस हैं कि इस पाइप के अंदर कोई ऐसी चीज़ घुस जाए जिसको इस ये नोज़ल मेल्ट करके नीचे से ना निकाल पाए। जब तक कि आप इसको खोलते नहीं हैं पूरी असम्बली को तब तक ऐसा चांस एग्जिस्ट कर बहुत कम करता है, इस तरह के चांसेस नहीं। तो आपने वो शक नहीं करना। तो शक क्या करना है कि ये पाइप सीधा नहीं था, जिसकी वजह फिलामेंट सीधा नहीं था, वो दरमियान में एक जॉइंट है, उस जॉइंट में एक्चुअली फंसने की कोशिश कर रहा होता है। हल क्या है? हल सिर्फ ये, फीडर को टाइट करें, दोबारा से पुश करें। अब इंसर्ट न्यू फिलामेंट के ज़रिए मैं पुश नहीं करूँगा। मैं वापस अगर डैशबोर्ड में हूँ तो मेरे पास इस एक्सट्रूडर को मैन्युअली मूव करने की भी ऑप्शन मौजूद है। ये प्रिंटर फेस में भी होती है, क्यों रहा हमें बाई चांस ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, उसमें मैनुअल जी कोड भेजना पड़ता है। तो मैं यहाँ से इसको बता रहा हूँ कि 5 मिलीमीटर एक्सट्रूड करें। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट 5 लिखा हुआ है, मैं इसको 10 मिलीमीटर कह रहा हूँ और स्पीड मैं इसको कह देता हूँ 200 मिलीमीटर पर मिनट। ये कह के अगर मैं इसको एक्सट्रूड का कहूँगा तो ये 10 मिलीमीटर को इस स्पीड पे एक्सट्रूड करेगा और अगर मैं देखूँ तो ये एक्सट्रूड कर भी रहा है। तो जब ये एक्सट्रूड कर रहा है इस दौरान आप, तो मैं इस एक्सट्रूड वाले बटन को स्क्रीन पे बार बार दबाता जाऊँगा ताकि ये थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ इसको घुमाता जाए और मैं देखता जाऊँ कि ये खींच रहा है कि नहीं खींच रहा। अभी मैंने ये बटन दबाया है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये गरारी तो घूमी है लेकिन ये स्लिप कर मुकम्मल तौर पे अंदर नहीं जा रहा। तो उसका क्या हल है कि मुझे थोड़ा सा टाइट, थोड़े से क्या मुराद है कि अगर मैं इसको घंटों की घड़ी के हिसाब से देखूँ, समझिए इसमें 2 घंटे तकरीबन 2 आवर्स मैंने इसको घुमा दिए, तो ये 20-30 डिग्रीज मैंने इसको घुमा दिया, इसे काफ़ी टाइट होता है। मैंने दोबारा एक शूट का बटन दबाया और अब मैं देख रहा हूँ कि यस, ग्रिप इम्प्रूव हो गई है। मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कि ग्रिप, मुझे पता चल रहा है आपकी बहुत अच्छी ग्रिप आ रही है और जितना मैं कहता हूँ एग्जैक्टली उतना ये आप देख सकते हैं कि हाथ मेरा मूव करता हुआ भी नज़र आता है। मैं दोबारा दबाऊँगा बटन, ये बहुत स्मूथली मेरा हाथ आगे जा रहा है और मैं नीचे से अगर देखता हूँ तो फिलामेंट भी निकल रहा है। तो बटन भी दबाते जाएँ साथ साथ, इस पाइप को सीधा रखा जब तक निकलना नहीं शुरू होता और आप इस फिलामेंट को प्रेस करते जाएँ तो ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो वंस इट्स देयर अब आप प्रिंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग फिलामेंट को आपने रिमूव करना हो तो इसका मतलब है कि पहले तो आप वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि पहले तो इस इंटरफेस तक पहुंचेंगे, होम करेंगे, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में होम करवाया था उसी तरह आपको होम करना पड़ेगा। होम करने का मैंने बताया कि मकसद असल में ये है कि प्रिंटर अपनी जगह पर पहुंच जाए। मसलन इसकी नोज़ल आप देख सकते हैं कि बेड से थोड़े से फासले पर मौजूद है, बेड के अंदर सुराख नहीं करने की कोशिश कर रही है, डैमेज नहीं कर रही है। इस हालत में आप पहले प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट मैंने कहाँ से किया? प्रीहीट मैंने इस जगह पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड रख के क्लिक ओके किया और टेम्परेचर मैं देखता गया कि हाँ, ये मैंने अपडेट का भी बताया था, ऑटो चेक एवरी 3 सेकेंड्स। तो मैं देखता गया टेम्परेचर 190-185 डिग्रीज अगर क्रॉस हो गया तो उसका मतलब है मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। वो करने के बाद रिमूव करना कदरे आसान है। प्रिंटर में गए एंड जस्ट आई जस्ट हैव टू प्रेस दिस रिमूव फिलामेंट बटन।
ये मैं रिमूव फिलामेंट करता हूँ, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि थोड़ी ही देर में ये पहले थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेगा और फिर एकदम झटके से इसको बाहर निकालेगा। ये इसकी एक ट्रिक है जो कि अगर आपने मैन्युअली जी कोड वगैरह के जरिए भी करना हो, मैनुअल कंट्रोल से भी करना हो, तो इसी तरह रिमूव कीजिएगा कि पहले ये थोड़ा सा अंदर भेजता है एंड देन झटके से एकदम बाहर निकालता है। तो ये अपने आप निकाल रहा है, मैं इसको खींच नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने हाथ रखा हुआ है। भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है, और इस पॉइंट पे आगे मैं देख सकता हूँ कि ये बेसिकली बाहर निकल चुका है। तो ये रिमूव हो गया इसका फिलामेंट।